हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंचन होम किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पालक पनीर की आज की रेसिपी है। पनीर तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज की रेसिपी अगर आप एक बार बनाओगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे आप। नो गार्लिक नो अनियन और एकदम फर्स्ट क्लास बनकर के तैयार हो जाता है, बिल्कुल स्वादिष्ट, एकदम हलवाई जैसा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप जो है फ्रेश पालक ले लीजिएगा और पानी गर्म हो जाए तो यहाँ पर जब पानी गर्म हो जाए तो उस समय आप जो है पालक को उसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमने एक मुट्ठी केवल पालक लिया है और यहाँ पर हम डालेंगे 5 से 7 जो है बादाम डालेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर मखाना लावा जिसे कहते हैं ना उसको हम 7 से 8 डाल देंगे। आपको जो पसंद हो काजू आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है बादाम और लावा यहाँ पर हमने ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ 1 से 1.5 मिनट तक केवल गर्म पानी में आपको थोड़ा सा बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं तो इसका कलर जो है डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसी स्टेज पर गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हल्का सा ये ठंडा हो जाए तो इसे हम प्लेट में पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पालक और काजू बादाम को सभी निकाल करके प्लेट में ले लेते हैं और इसे ठंडा हो जाए हल्का सा तो इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ 1-2 मिनट देखिए हल्का सा ठंडा हो चुका है। इसे हम जार में डाल देंगे, पालक को, बादाम को और मखाना को, और ये थोड़ा सा जो पानी है इसे भी ऐड कर देंगे इसमें। और यहाँ पर देखिए हम 3 से 4 आइस क्यूब इसमें डाल देंगे। इससे क्या होंगे ना, जब पालक गर्म जो है तो उसे ठंडा होने में थोड़ी मदद मिलेगी और साथ में पालक का कलर जो है जब हम आइस क्यूब डालेंगे ना तो उसका हरापन जो है वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं और देखिए ग्राइंड करने के बाद इसका कलर आप देखेंगे एकदम बढ़िया सा, एकदम ग्रीन सा देखिए रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना एकदम परफेक्ट कलर है, बिल्कुल भी कलर इसका नहीं गया है। और इसको हम देखिए अब रखते हैं। अब यहाँ पर हम इसके पनीर को तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने ये पनीर लिया है। अब इसमें देखिए काश्मीरी मिर्च हमने, थोड़ा सा लाल मिर्च हमने ऐड किया है और यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर थोड़ा सा गरम किया 1/4 चम्मच और 1/4 चम्मच यहाँ पर हम ये गरम मसाला हल्का सा ऐड करेंगे और यहाँ पर हम स्वादानुसार नमक ले लेंगे और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में हम चाट मसाला डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, पनीर का टेस्ट एकदम बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स बनकर आता है। और इसे हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लग रहा है कि जैसे कि मसाले पनीर में नहीं पकड़ रहे हैं तो हल्का सा यहाँ पर हम पानी 1 स्पून यहाँ पर हम डाल देंगे जिससे मसाले अच्छी तरीके से हमारे जो है पनीर में पकड़ लें। तो इसे हाथों से या स्पून से आप लगा सकते हैं, तो हम यहाँ हाथों से करेंगे क्योंकि स्पून से अच्छी तरीके से हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर हाथों से हम पनीर में अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे मसालों को। और देखिए जब आप मसाले कोट कर लें तो इसे रख दीजिए 1 से 2 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए और अच्छी तरीके से ये हो जाएगा तब तक हम इसके मसाले तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने 2 चम्मच केवल दही लिया है और दही में डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और ये 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। यहाँ पर हमने काश्मीरी मिर्च नहीं लिया है क्योंकि पालक, अगर जितना ही पालक पनीर ग्रीन रहे उतना ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से इस मसाले में हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ इसी स्टेज में हम थोड़ा सा जो है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को हम 1/2 चम्मच यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 चम्मच हम काली मिर्च ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा मसाला ये तैयार हो चुका है। अब चलिए हम देखिए गैस के फ्लेम पर कढ़ाई या पैन चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दिया है और यहाँ पर डालेंगे हम सरसों का तेल। 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है और इसे हम गर्म होने देंगे। जब हमारा ये तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए
तो यहाँ पर जो हमने मैरिनेट के लिए पनीर रखा था वो मैरिनेट किया हुआ पनीर इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से अच्छी तरीके से इसे हमें भून लेने हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को अगर एक बार आपने बना लिया ना तो आप बार बार बनाना चाहोगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी सी रेसिपी बन करके तैयार होती है। तो यहाँ देखिए, हम जब एक साइड इसको भून लेंगे तो 1 से 2 मिनट लगता है, इसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम अब इसे हम पलट देंगे, ठीक ना। तो इसे दोनों साइड से आपको गोल्डन एकदम जो है फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अब हमारा हो चुका है तो यहाँ पर हमने दूसरी कढ़ाई ले ली है। आप चाहे तो उसी में बना लीजिए या दूसरे बर्तन में। आप जो है 1 चम्मच आप सरसों का तेल लीजिएगा और 1 चम्मच यहाँ पर बटर या देसी घी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये सरसों का तेल लिया हुआ था, अब यहाँ हम 1 चम्मच ये देसी घी ले लेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया सा आएगा पालक पनीर का। तो जब आपका तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम 1 तेज़पत्ता ले लेंगे, बड़ा है तो 1 लेंगे, छोटा है तो 2 ले लेंगे, और उसे डाल देंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर देखिए 2 लाल मिर्च हमने सूखी हुई डाल दी है, और यहाँ पर तड़के में हम देखिए डालेंगे जीरा। यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच जीरा लिया है। अब यहाँ पर हम जो है 1 पिंच हींग यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारा जब अच्छी तरीके से तड़का जब हो चटक जाए ना, आपका बढ़िया से हो जाए, तो इसे देखिए यहाँ पर तकरीबन 1-2-3 सेकंड लगते हैं, आपका तड़का अच्छी तरीके से हो जाएगा। और इसके हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डाल देना है अदरक, बारीक कटा हुआ अदरक यहाँ पर ऐड करेंगे, और साथ में यहाँ पर हम हरी मिर्च जो है 2 हरी मिर्च हमने बारीक कट कर लिया था उसको भी ऐड कर देंगे। अगर आप लहसुन खाना चाहते हैं तो यहाँ पर लहसुन भी डाल सकते हैं, प्याज भी ऐड कर सकते हैं, और इसे अच्छी तरीके से आपको भून लेना है। लेकिन हम ये पालक पनीर बिना लहसुन और प्याज के बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आपका अदरक और हरी मिर्च अच्छी तरीके से हो जाए तो यहाँ पर हमने जो है मीडियम टू हाई फ्लेम रखा हुआ था, और आपका जब ये अच्छी तरीके से चटक जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 चम्मच चना बेसन आप ले लेंगे, ठीक ना। अब इसी स्टेज पर आप 1 चम्मच चना बेसन लेंगे और इसको अच्छी तरीके से आप जो है भून लीजिए। इसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हाई फ्लेम नहीं रखिएगा, मीडियम टू हाई फ्लेम रखिएगा, क्योंकि ये बेसन जो है जल जाएगा, अच्छी तरीके से भून नहीं पाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर अगर भुनाई करेंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाता है, बहुत जल्दी हो भी जाता है। तो जब आपका ये अच्छी तरीके से भून जाए तो ये इसी स्टेज पर हमें जो है अब आपके जो ये हमने मसाले तैयार किए थे इसको ऐड कर देंगे। दही में हमने मसाले पहले ही तैयार किए थे, थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करके अब इसको हम भूनेंगे। यहाँ 1 से 2 मिनट तक आपको मसाले अच्छी तरीके से भून लेने हैं, जिससे कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। मसाला अगर थोड़ा सा भी कच्चा रहता है तो सब्ज़ी जो है अच्छी नहीं बनती है, स्वाद उसका अच्छा नहीं आता है। अगर मसाले अच्छी तरीके से भुने हों तो आपका जो सब्ज़ी का स्वाद है ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया सा बन करके आता है। तो देखिए, यहाँ तकरीबन 2 से 3 मिनट लगा है, हमारा मसाला भून करके एकदम तैयार हो चुका है। तो यहाँ इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, जो पिसे हुए पालक हमारे थे ना, अब उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पर पानी 1/2 कप के करीब हमने ग्राइंडर जार में डाला था, उसी को हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम पानी बिल्कुल और नहीं ऐड करेंगे, आपको ज़रूरत है तो ऐड कर सकते हैं। आप ग्रेवी किस तरीके की बनाना चाहते हैं, थिक बनाना चाहते हैं या पतली बनाना चाहते हैं या मीडियम बनाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने जो है ज़्यादा आप यहाँ न पतला रखा है ना ज़्यादा गाढ़ा रखा है। तो यहाँ पर हमने स्वादानुसार नमक को ऐड किया। नमक हमने देखिए थोड़ा हल्का ही डाला है, क्योंकि हमने पनीर में भी नमक ऐड किया था, तो इसलिए पनीर में थोड़ा इसमें हमने हल्का डाला है। और ये देखिए, यहाँ पर हम अब इसी स्टेज पर पनीर को इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम सारे पनीर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पनीर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है।
ये ग्रेवी बहुत ही ठीक हो जाती है। और पालक पनीर वैसे ठीक ही अच्छा लगता है, क्योंकि पतला सा इसका ग्रेवी तो उतना टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन आप अगर चाहे तो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसे ढक करके 2 से 3 मिनट तक का पका लीजिएगा। तो यहाँ ढक करके हम 2 से 3 मिनट पकाए रहे हैं, इसके बाद चेक करते हैं। 3 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पालक पनीर बन करके एकदम तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अमीर खुशबू आ रही है। वाओ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, इतना अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पालक पनीर को बनाइए। और इसी स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर आप काश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च से तड़का लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है मलाई से इसका गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी मलाई ली और उससे हमने ये इसको गार्निशिंग किया है। वाओ, क्या बन करके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पालक पनीर अच्छी लगी हो, रेसिपी बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।